देखिए, मुनाफा शुरुआत में तो आपको उतना मुनाफा नहीं लगेगा, क्योंकि इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट करते ही जाना है, प्रोडक्शन आपका होगा नहीं, तो पहले दो साल में तो आपको उतना ज़्यादा कुछ मिले, फर्स्ट ईयर तो मिलेगा ही नहीं, सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपको 25-30% रिटर्न होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सर नमस्कार। नमस्कार परवेश जी। सर सबसे पहले अपनी फार्म का नाम और लोकेशन बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप फार्म पे आए और हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस आप अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, और उनकी जो नॉलेज है, जो न्यू कमर्स हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा जानकारी मिलेगी जी। मेरा नाम भारत चौधरी है और मैं ये गाजियाबाद में तकरीबन 40 एकर्स लैंड में मछली पालन का, फिश फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। और मेरा ये 3 जगह पे फार्म है, एक ये बेब सिटी के पीछे है और 2 मेरे प्लखुआ में है। तो सर इस काम की शुरुआत कैसे हुई और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इस काम को करने से बेसिकली मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑयल एंड गैस में किया हुआ है, कई सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बाद तकरीबन 15 साल काम किया, फिर उसके बाद अपना इंजीनियरिंग का स्टार्टअप किया, फिर तभी कोविड आ गया, कोविड के दौरान सभी एक्टिविटी बंद हो गई, रुक गई, स्थिर हो गई, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे वो सभी रुक गए। फिर उसके बाद एक आइडिया आया कि मछली पालन का, फिश फार्मिंग का काम करते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहीं से फिश फार्मिंग का काम स्टार्ट किया। ये 8 एकड़ के आसपास ज़मीन है मेरी, यहाँ पर मैंने काम किया 8 एकड़ ज़मीन में, और एक अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो शुरुआत की बात करें, कितनी पूंजी से आपने शुरुआत करी, कितने एरिया से आपने शुरुआत करी? हाँ, मैंने जैसे बता रहा हूँ, ये तक मैंने 8 एकड़ ज़मीन में लैंड में यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया था। और शुरुआत में जब आप पहली बार कोई काम करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप नए होते हो, एक्सपीरियंस आपका होता नहीं है उतना ज़्यादा, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। इस ज़मीन को तैयार करने के लिए और पूरा सब सेटअप बनाने के लिए तकरीबन मैंने 18-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन अभी धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस होता जा रहा है तो चीज़ें समझ आ रही हैं, कहाँ हम पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से इसके मिनिमम कॉस्ट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना आपको समय लगा? हाँ, मैं 2020 से ये काम कर रहा हूँ, पिछले 3 सालों में हम यहाँ पे 40 एकड़ ज़मीन में आज फार्मिंग कर रहे हैं और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं, इनलाइन प्रोजेक्ट हैं, वो भी हम इस साल एग्जीक्यूट करेंगे। तो सर कभी ऐसा लगा आपको, निराशा हाथ लगी या मन करा कि कुछ और कर लेता, ये ना करता? हाँ, शुरुआत में जब हम नए थे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमें, तो यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया तो दिसंबर में के मंथ में हमने सीड स्टॉकिंग कर दिया, तो ठंड का मौसम था, वेदर कंडीशन डिफरेंट थी, दूसरी जगह से बच्चा सीड लेके आए, यहाँ डाल दिया, तो कुछ मॉर्टिलिटी हुई उस टाइम पर, थोड़ी निराशा हुई, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ वो सभी चीज़ें आज हमने कंट्रोल की हैं, कोई मॉर्टिलिटी नहीं है, एक अच्छा प्रोडक्शन है और अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। सर अगर बात करें 1 बीघा की, 1 बीघा में कितना खर्चा आता है और कितना प्रोडक्शन मिलता है, कितने दिन में मिलता है, या 1 बीघा से शुरुआत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, कॉमर्शियली आपको करना है तो 1 बीघा तो एडवाइजेबल नहीं है, मैं आपको बोलूँगा, तो कॉमर्शियली आपको करना है तो कम से कम 3 एकड़ ज़मीन के साथ आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी 100% फुल टाइम जॉब है, एक आदमी काम करेगा इस ज़मीन पर, तो कम से कम उसकी अपना जो टाइम दे रहा है उसके अगेंस्ट उसे इतना पैसा तो बचना चाहिए कि वो अपना सर्वाइवल कर सके, तो मिनिमम 3 एकड़ लैंड आपके पास होनी चाहिए IMC के लिए। बाकी 1 बीघा में आप करना चाह रहे हो एज ए ट्रायल तो आप स्टॉकिंग फिश, कैट फिश जो रहती है, पंगास, वो कर सकते हैं, वो 100% फॉर्मुलेटेड फीड पे रहेगी, तो उसमें अगेन खर्चे वही आ जाएंगे, उसका फीड, ये मिला मलू के सब 8-10 लाख रुपए का खर्चा है उसका प्रोडक्शन में, उसकी साइकिल 5 से 6 महीने की रहती है, 100 लाइन का सीड आप स्टॉक करते हो, 700-800 ग्राम 1 किलो तक का उसको आप सेल कर देते हो। वैरायटी कौन सी सर आपके पास ये? अभी मेरे पास पूरा IMC है, रोहू है, कतला है, मरगेल है, गोल्डन है, सिल्वर है और ग्रासकार है। बिजनेस पर्पस से बात करें, सबसे अच्छी ब्रीड प्रॉफिट के हिसाब से कौन सी है सर? नहीं, सभी अच्छी हैं, सभी का अपना कल्चर है, सभी की अपनी ग्रोथ का अलग अलग रेशियो है, डिपेंड करता है कि आपका तालाब किस तरीके का, किस इन्वायरमेंट का है। बाकी मार्केट में डिमांड रोहू कतला की बहुत ज़्यादा है और रेट भी अच्छा रहता है रोहू कतला का। मार्केट का इसमें क्या इशू है, कोई चैलेंज है सर मार्केट का इसमें? नहीं, मार्केट में इस बिज़नेस का सबसे बड़ा व्यापार का यही एक खूबी है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो आप उन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लोग आपको अपने आप अप्रोच करेंगे और तालाब से मछली लेके जाएंगे, जिंदा मछली का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। रेट कितना फ्लक्चुएशन होता रहता है और अभी क्या रेट चल रहा होगा सर?
अभी आप ये समझिए कि 120 रुपये से लेके 140 रुपये किलो तक के आसपास का रेट है। उसमें वो मछली के वजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आधा किलो की मछली है, 700 ग्राम की है, एक किलो की है, उसके ऊपर वेरी होता है। ठंड के दिनों में थोड़ी सी कंजप्शन बढ़ जाता है, डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इन दिनों में खासकर रेट अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू गर्मी के मौसम, समर सीजन में। मुनाफा कितना हो रहा है सर अभी आपको इससे? देखिए, मुनाफा शुरुआत में तो आपको उतना मुनाफा नहीं लगेगा, क्योंकि इनिशियली तो इन्वेस्टमेंट करते ही जाना है, प्रोडक्शन आपका होगा नहीं, तो पहले दो साल में तो आपको उतना ज़्यादा कुछ मिले, फर्स्ट ईयर तो मिलेगा ही नहीं, सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपको 25-30% रिटर्न होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होती जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इसमें प्राइमरी कॉस्ट वही है, तालाब तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अपने चारों तरफ से फेंसिंग कराना या सीसीटीवी कैमरा लगाना, लेबर के लिए आपको और चीज़ें बनवाना, रूम्स बनवाना और पानी की व्यवस्था करना, ये सब खर्चे हैं। एक बार होने के बाद सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आपके खाली जो लेबर है, लेबर का ही खर्चा आपके पास आएगा जो मंथली आपको जाते हैं, और या मछली को जो आप खिलाओगे उसका दवाई मेडिसिन या प्रोबायोटिक्स जो भी दो उसका खर्चा आएगा। सरकार से क्या मदद मिलती है सर इसमें? सरकार से बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी सब्सिडी इसमें हमें मिलती हैं, और यूपी की मैं बात करूं, यूपी में है तो साल में दो बार इनका पोर्टल ओपन होता है, जुलाई अगस्त में और एक आपका जनवरी के आसपास होता है, तो इसमें 40% से लेकर 60% तक का सरकार का अनुदान है, उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिल के वो 60-40 के रेशियो में आपको सब्सिडी मिलती है। सर, ये काम ऐसा जिसमें आपको सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान देना है, और जैसा आपने कहा कि चोरी पे ध्यान देना है, चोरी को रोकना है, अदरवाइज मार्केटिंग का इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी फार्म बंद हो जाते हैं सर? फार्म बंद होने के बहुत सारे रीजन हैं, एक तो लोग बिना ट्रेनिंग के और एक बिना प्रॉपर गाइडेंस के साथ इस काम को स्टार्ट कर देते हैं, तो पैसा बहुत लग जाता है। फिर जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर तो आपका तालाब बनाने में, स्टॉकिंग, एक साल ऐसे ही निकल जाएगा, तो लोग धीरे धीरे क्या डीमोटिवेशन हो जाता है उनका, कह रहे हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, पैसा इतना लग गया, लेकिन ये प्योर एग्रीकल्चर बिजनेस है, टाइम के साथ धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, टाइम आप अपना जितना समय देंगे। दूसरी बात चोरी, हाँ चोरी, क्योंकि आप देख सकते हो ये चारों तरफ से खुला हुआ है, कोई आदमी कहीं से भी आके इसमें घुस सकता है, तो इसी के लिए आपको प्रॉपर जो लेबर है वो 24 घंटे चौकन्नी रहेगी, देखेगी, ठीक है ना। डिजीज़ का बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं है, तो एक अच्छा बिजनेस है आप, लेकिन 100% आपको इस पर डेडिकेशन रखना है, वो फुल टाइम बिजनेस है। कोई अगर फीड ना देना चाहे अपने फार्म पे तो क्या क्या वो दे सकता है, नेचुरल चीज़ की अगर बात करें तो? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया ये नेचुरल आप मिनिमम कॉस्ट के हैं, जैसे राइस पॉलिश है, कोई गांव में रहता है वो चावल कर रहा है तो उसकी राइस पॉलिश खिला सकता है, मस्टर्ड जो खल रहती है सरसों की खल वो खिला सकता है, कंट्रोल वे में आप इसमें गोबर भी डाल सकते हैं, काव डंग वेस्ट जो रहता है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कंट्रोल वे में। एक्सेस हो जाएगा तो फिर अगेन एक्वा कल्चर सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अमोनिया गैसेज बनने लग जाएंगी, मछली बनने लग जाएगी जी, तो यही चीज़ें हैं जो हम। और मछली का बीज कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है सर? IMC के लिए सरकार की यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की एक हैचरी है मेरठ में, आपको वहाँ से बच्चा मिल जाता है जिसमें 25 mm से लेके 40 mm तक का फ्राई सीड रहता है, और एक फिंगर लिंक रहता है जो 3-4 इंची के आसपास रहता है, तो दो तरह का सीड वहाँ से मिलता है, तो नॉर्मली हम वहीं से लेते हैं और अपना स्टॉकिंग करते हैं जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद परवेश जी, आप हमारे फार्म पे आए और मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे बढ़ें, यही मेरी सबके लिए। नमस्कार। तो दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहेंगे, अगर आप इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो पहले ट्रेनिंग ले लें, विजिट कर लें, 2-4 लोगों से मिल लें, उसके बाद ये काम स्टार्ट करें, जिससे आपको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लॉस कम से कम होगा। तो एक नई वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार।